कुरुक्षेत्र में अलग अलग तीन स्थानों पर तीन युवकों के नहर में डूबने का मामला सामने आया है। गोताखोर प्रगट सिंह और उनकी टीमें नहरों में डूबे युवकों की सर्च अभियान में जुटी हुई है। मिर्जापुर नहर पर गोताखोर प्रगट सिंह ने बताया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले गांव खनौदा पुंडरी के रहने वाले लगभग 22 वर्षीय युवक सागर के नहर में डूबने का मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार दबखेड़ी नहर के पास और किरमच नहर के पास भी युवक के डूबने का मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि उनकी टीमें फिलहाल तीनों स्थानों पर सर्च अभियान में जुट गई हैं। आपको बता दें कि मिर्जापुर नहर में डूबा युवक पुंडरी के गांव खनौदा का रहने वाला था। मौके पर मौजूद उसके रिश्तेदारों और पुलिस ने बताया कि वे पढ़ाई में काफी होशियार था। उसके माता पिता खेतीबाड़ी करते हैं। परिवार में उसके माता पिता एक बहन शादीशुदा है और वह खुद एक ही बेटा था। कल सुबह घर से यूनिवर्सिटी के लिए कार पर निकला था। जब दोपहर तक उससे फोन पर परिजनों का संपर्क नहीं हुआ तो उन्होंने शाम को थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस जांच में उसके फोन की लोकेशन मिर्जापुर नहर के किनारे आई। मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों को नहर किनारे उसकी कार मिली, जिसके बाद पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में गोताखोर प्रगट सिंह और उनकी टीम ने सर्च अभियान शुरू कर दिया। कल शाम को करीब 8:30 बजे हमारे पास सूचना आई थी कि खनौदा गांव का लड़का सागर, राजेंद्र का लड़का है ये सागर, उम्र करीब 22 साल है, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। सुबह घर से पढ़ने के लिए आया था यूनिवर्सिटी में, वो ना तो यूनिवर्सिटी पहुंचा और ना ही अब तक घर पहुंचा। तो हमने पूछा घर वालों से, उसके पास मोबाइल है कहाँ जी है, तो लोकेशन उसकी ली थी। लोकेशन के आधार पर उसकी लोकेशन आई यहाँ जहाँ हम खड़े अभी यहाँ पे। तो पुलिस आई यहाँ, परिवार वालों के साथ लेके आई, तो यहाँ उसकी गाड़ी खड़ी मिल गई थी। तो अंदेशा है कि वो शायद नहर में जंप ना कर गया हो। तो अब वो तक और आ रखे हैं, हम सुबह से यहाँ उनकी तलाश कर रहे हैं, अभी बॉडी नहीं मिली। मुंडे के डुबण का मामला सामने आया कि जी बिल्कुल, कुरुक्षेत्र नहर के विच तीन अलग अलग मामले साडे को दर्ज हुए ने 24 घंटे च। एक मामला कुरुक्षेत्र के होमगार्ड बलविंदर जी का लड़का है, जो कल अपने साथियों के नाल नहाण आया सी और डुब गया। काफ़ी उन्हें कढ़न का प्रयास भी किया गया, लेकिन वह मौके पर नहीं बच पाया। तो वो बूट वगैरह नहर तो मिले से, उस तो बाद परिवार ना संपर्क होया और अज उत्थे असी सर्च करके आए हैं। दूसरा मामला इतों मिर्जापुर नहर तो फोन गया सी कि नहर किनारे एक कार और सुसाइड नोट किसी नौजवान बच्चे का मिले, जो पूंडरी का रहने वाला है। इतने हम टीम पहुंची हुई जी, लगातार जो सेवा है वो जारी है। इस तो बाद तीसरा मामला मेरे दबखेड़ी पुल का है, जिथे अंसाले का रहने वाला एक बंदा सुसाइड कर गया आधा घंटा पहला। सो ये तीन अलग अलग मामले ने, तिना के सवेर की टीम लगी हुई और कोशिश है कि जल्दी जल्दी सफलता मिले और जो टीम 24 साल तो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा निभा। और कल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, सागर जी। और उम्र कितनी? उम्र 21 साल जी। तो हुआ क्या था कल? कल सुबह घर से 8:30 बजे आया था जी, वही यूनिवर्सिटी जावा जी घर के, मुझे यही मालूम था जी। उसके बाद कोई पता नहीं लगा जिसका। 11 बजे तक उसकी 2 मिनट उसके डैडी से बात हुई है, उसके बाद कोई पता नहीं चला जी। शाम को जब घर नहीं आया तो जी देर से पता करया जी, इधर उधर से वहां से कोई पता नहीं चला जी उसका। फिर पुंडरी थाने में पता करया जी, वहां से लोकेशन मिली है जी उसकी। फिर यहाँ नहर की मिर्जापुर नहर की गाड़ियां ही पास मौके पे खड़ी हुई है। कुछ लिख के भी गया था कागज? वो मेरे को मालूम नहीं है जी, ऐसा कह रहे हैं भाई। तो मिला कुछ परिवार में कौन कौन है जो लड़के के भाई बहन माता पिता क्या करते? एक सिस्टर है, खेती करते हैं जी, खेती ताऊ है जी, भाई है जी जिसका लड़का है।